की आदत बन जाती है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें बात तो एक लाइन की करनी है, लेकिन उसको इतना घुमा फिरा के करते हैं ना कि मतलब सामने वाला बंदा समझ ही नहीं पाता कि हम उसको कहना क्या चाह रहे हैं। हाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम सभी की ना एक ही आशा रहती है सभी से, हम एक ही उम्मीद करते हैं सभी से कि सब लोग हमारी रेस्पेक्ट करें, सब लोग हमारी वैल्यू करें, सब लोग हमें जो है मान सम्मान दें। लेकिन दोस्तों मान सम्मान देना और लेना, देखिए हम दे तो सकते हैं लेकिन लेना भी हमारे ही बस में होता है, देना भी हमारे बस में है और लेना भी हमारे बस में है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसा हम किसी के साथ व्यवहार करेंगे वही व्यवहार हमको वापस मिलेगा, ये तो सभी मानते हैं और ये सत्य भी है। अगर हम किसी के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वही व्यवहार जो है हमको मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है तो निराश नहीं होना है हमको, हमको जो है फिर नेगेटिव नहीं हो जाना है कि वो हमको वैल्यू नहीं कर रहा तो हम नेगेटिव हो जाएं। तो दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो है कि हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं कि लोग हमको मान सम्मान दें। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, जो कि सभी चीज़ को फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा बदलाव आएगा उनकी जिंदगी में और उनके व्यवहार में भी आएगा। तो वैल्यू जो है लोगों से करवाना ये भी हमारे हाथ में है। तो चलिए जानते हैं वो पॉइंट्स क्या हैं। नंबर वन दोस्तों, नंबर वन पॉइंट है कि जहां पे जरूरत हो वहां पर बोलें, नहीं जरूरत हो तो बिल्कुल भी ना बोलें, बिल्कुल चुप रहें। भले आपको कितनी भी जरूरी बात वहां पे करनी हो, चाहे मतलब बहुत ही ऐसी बात हो जो कि आपको मतलब देखो, एक तो जरूरी बात होती है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है, नहीं कहनी कहनी है, नहीं कहोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा, वो तो आपको कहनी ही पड़ेगी, है ना। एक होता है कि नहीं, गॉसिप चल रही है सभी लोगों की और आप जाके वहां पे खड़े हो गए और आप भी कुछ कुछ बोलने लग गए जबकि आपको किसी ने बोला भी नहीं बोलने के लिए। तो वहां पे आपको नहीं बोलना है, बिल्कुल साइलेंट रहना है, चुपचाप खड़े हो जाना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वहां पे खड़े भी नहीं होना है जब तक आपको कोई बोले नहीं। आप भले साइड से निकल जाइए लेकिन जब तक आपको कोई बोले नहीं रुकने के लिए तो वहां पे नहीं रुकना है, है ना। वहां पे आपको देखिए पहले से ही लोगों की बातें चल रही हैं, हो सकता है आपके जाने के बाद वो बातें बंद कर दें, हो सकता है टॉपिक चेंज कर दें, तो थोड़ा सा हमको भी बुरा ही लगेगा ना। वहां पे हम खड़े थोड़े होंगे कि भाई देखिए हम लोग, हम मेरे आने के बाद इन लोग का टॉपिक चेंज हो गया, बातें खत्म, दूसरी चेंज हो गई है। तो दोस्तों बस ये है कि बिना, जब तक आपको कोई टोके नहीं, कोई बोले नहीं, कि कोई पूछे नहीं, आपको नहीं बोलना है, नहीं रुकना है, ना ही उनकी बातों को आपने डिस्टर्ब करना है, कुछ नहीं करना आपने, आपने सिर्फ और सिर्फ वहां से निकल जाना है। पहला पॉइंट तो यह है कि जब तक आपसे कोई कुछ टोके नहीं, कोई कुछ बोले नहीं, वहां पे आपने नहीं रुकना है। सेकेंड पॉइंट है कि हमेशा सब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये एज के साथ ही समझ में आता है। अभी बच्चे मेरी वीडियो अगर देख रहे होंगे तो वो लोग सोचेंगे पता नहीं मैं क्या ही बोल रही हूँ, कि ये चीज़ें ना दोस्तों एज के साथ धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं कि हम हमेशा अवेलेबल हो जाते हैं ना, कि भाई उन्होंने फ़ोन किया कि आ जाओ, फटक से हम पहुँच गए, फ़ोन किया हमने फटक से पिक कर लिया, रिप्लाई कर दिया, मैसेज कर दिया, सब कुछ कर दिया। कभी कभी ना, कभी कभी दूर हो जाना चाहिए इन चीजों से, अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। हमको पता होती है कि कब किसको क्या जरूरत, हमको देखिए पता लग जाता है मैसेज से और सबके चीजों से कि भाई जरूरत कैसी है कैसी नहीं है। हमारी आदत बन जाती है कि हर किसी के लिए 24 आवर वहां पे खड़े हो जाना, जी हाँ जी कहिए, क्या काम है, अभी हम क्या करें, अच्छा वहां चलना है, चलो वहां पे चलेंगे, अच्छा वहां पे शॉपिंग करनी है, ठीक है चल देंगे, अच्छा उनका उनके वहां जाना, ठीक है। मतलब हम ना हाँ में हाँ मिला देते हैं, अपनी बुद्धि का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वहां पे भी वैल्यू हमारी जो है धीरे धीरे घटने लगती है। और ये सब चीजें ना हमको एकदम से समझ में नहीं आती, हमको धीरे धीरे चीज समझ में आती है। जब लोग हमसे कटने लगते हैं, अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं तो हमको, हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा हमारे व्यवहार की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम ऐसा व्यवहार कर चुके हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपनी वैल्यू खुद ही कम कर रहे हैं। तो हमेशा अवेलेबल ना रहें, अवेलेबल बिल्कुल भी ना रहें हमेशा। देखिए कभी कभार तो चलता है लेकिन हमेशा ही आप अगर प्रेजेंट रहेंगे तो आपकी वैल्यू बिल्कुल कम होगी। तो इस चीज का भी दोस्तों आप ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट है, अपनी बातों को स्पष्ट कहना सीखें, कम शब्दों में कहना सीखें, है ना। हम लोगों की आदत बन जाती है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें बात तो एक लाइन की करनी है लेकिन उसको इतना घुमा फिरा के करते हैं ना कि मतलब सामने वाला बंदा समझ ही नहीं पाता कि हम उसको कहना क्या चाह रहे हैं, यानी कि बात का बतंगड़ बना देते हैं कहते कहते, और बस वहीं पे जो है हमारी वैल्यू डाउन होने लगती है। लोग सोचने लग जाते हैं कि अरे क्या इतनी छोटी बात थी, पहले ही बता देते, इतना लंबा सब बोलने की क्या जरूरत थी, हमारा तो टाइम बर्बाद कर दिया,
तो खुद के टाइम की भी वैल्यू करें, सामने वाले की टाइम की भी कद्र करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, तभी आपको सब चीजें रिटर्न में मिलेंगी। तो दोस्तों ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपको जब भी किसी से बात करनी है तो स्पष्ट बात करिए, घुमा फिरा के बात ना करिए। मतलब हमारी ना फिर ये आदत बन जाएगी कि हम किसी से थोड़ा बहुत कहने जाएंगे और वहां पे पता नहीं क्या 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 बोलने लगेंगे, वो जो बात बोलनी थी वो हम कह ही नहीं पाएंगे, या फिर कहेंगे तो लास्ट में कहेंगे जब हमारा कोई सुनने का किसी का इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो जो मेन बात है किसी से हमको करनी है तो फटाफट से जाके वहां पे बोल दीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी बातें कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। दोस्तों फोर्थ पॉइंट है कि नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए, क्योंकि हम जैसी हमारी संगत होती है वैसे ही हमारे अंदर विचार आते चले जाते हैं। अगर आपके पास नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव पर्सन है, जो कि जिनकी आदतें ठीक नहीं है, आपको लगता है कि इनसे दूर होना ही ठीक है, जिनसे आपकी सोच नहीं मिलती, जिनसे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता, तो उनसे दूरी बना लीजिए। इससे आपकी वैल्यू, अगर हम जैसी संगत रखेंगे तो वैसा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा और हमारी वैल्यू जो है धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ऐसे निगेटिव लोगों से दूर हो जाइए जिनका कि जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, कोई एम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी का उनका मकसद है टाइम पास करना, लोगों के घरों में क्या चल रहा है उस पर ध्यान देना, अपनी जिंदगी से मतलब नहीं है, अपने क्या करना है उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। ऐसे लोगों से बात कीजिए जो कि कम बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं। दोस्तों आप कहेंगे कि अच्छा बोलने से क्या मतलब है? अच्छा बोलने से मतलब है कि आपको कुछ ज्ञान मिले, आप जिसके साथ भी खड़े हों, जिसके साथ भी आप बात करें, आपको अच्छा फील हो, ज्ञान मिले, मतलब आपको लगे कि आप बाहर गए थे, आपने टाइम स्पेंड किया, जितना भी 10 20 आधा घंटा 1 घंटा, तो आप कुछ सीख कर आए हैं। अगर कुछ सीख कर भी नहीं आ रहे तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, ऐसी चीजों को हम अच्छा कहेंगे कि हमें घर पे आके ना बहुत अच्छा फील हो। और जैसे हम कुछ लोगों के साथ बात करते हैं और बात करते करते मतलब हमको ऐसा लगता है कि नहीं, अब हमें यहाँ पे खड़े नहीं होना, और घर पे जाके भी फिर वही चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं कि हम क्यों खड़े हुए थे वहां पे, हमको वहां से निकल जाना चाहिए था, हमको बात ही नहीं करनी थी, हमारा दिन खराब हो गया, हमारा डे खराब हो गया। तो ऐसा होता है कि ये वो लोग होते हैं नेगेटिव लोग, जो कि उनकी बातों से हमारी जो है डे खराब हो सकता है, हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ सकता है, अगर अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो। ये चीजों का दोस्तों ध्यान रखिए, और ऐसे अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छी अच्छी जो है संगतें आपको मिलेंगी, आपका जीवन सुधरेगा और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए हमको दोस्तों सबसे पहले अपने ऊपर ही हमको काम करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले अपनी जुबान पे कंट्रोल करना पड़ेगा, कम बोलिए ज्यादा सुनिए। हमेशा कोशिश ये कीजिए कि जब भी कोई लोग बात कर रहा है तो वहां पे पहले बोलिए ही मत, कोई कहे कि आप बोलो तभी बोलो, सुनो ज्यादा, कोई आपसे राय मांगे तभी आप उसको राय दीजिए, कोई कहे कि नहीं अभी हमें आपकी जरूरत है तभी हेल्प कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बिना कहीं हेल्प करने चले जाते हैं और सामने वाला बंदा बोल देता है कि हमें तो जरूरत ही नहीं थी आपकी हेल्प की, आप ही खुद आए थे। तो कई बार ना दिमाग का भी प्रयोग करना होता है ऐसी चीजों में जहां पे हम सोचते हैं कि यहाँ पे तो दिमाग की कोई बात नहीं थी, तो कभी कभी करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों बस यही है कि वैल्यू हमारे हाथ में ही है, कि हमारे किस तरीके से हम इमेज बना रहे हैं, कैसा माहौल है हमारे आसपास, कैसे हम बात करते हैं, कैसे बात नहीं करते हैं, इन्हीं चीजों से हमारी वैल्यू बनती है। और हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखिए, स्माइल रखने से ना हम अच्छे भी दिखते हैं और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी आती है और अच्छा भी लगता है दोस्तों खुद को, है ना। अभी क्या है, हर वक्त मुंह सा बना के रख, अभी टेंशन तो खत्म नहीं हो जाएगी ना, अगर आप मुंह बना के भी रखोगे, किसी से नहीं बोलोगे, तो क्या आपकी टेंशन कम होंगी? बिल्कुल भी नहीं होंगी। क्या खत्म होंगी? नहीं खत्म होंगी। प्रॉब्लम सॉल्व होगी? नहीं होगी। तो फिर क्यों ही मतलब भगवान के दिए हुए चेहरे को एकदम से बेकार बना कर रखना कि घर में प्रॉब्लम है तो नहीं बोलना किसी से, अगर जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है तो कुछ नहीं कहना, सबका मतलब कह देना कि नहीं अब तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। दोस्तों जिंदगी में प्रॉब्लम आएंगी, जब तक हम रहेंगे प्रॉब्लम्स आएंगी ही, हम कब तक भागेंगे, कब तक इन चीजों का हम लोग शोक मना के बैठेंगे कि नहीं प्रॉब्लम है, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। हम अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकते हैं किसी भी कंडीशन में। तो दोस्तों यही सब बातें हैं जिनका कि हमको ध्यान रखना है और हमें एक अच्छा इंसान बनना है।
तो छोटी छोटी बातें हैं, अभी तो मैंने बहुत कम पॉइंट आप लोगों के साथ में शेयर की हैं। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके जो आगे वीडियो बनाऊंगी उसमें और पार्टों को जो है एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सी और चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। खुद की रिस्पेक्ट भी हमारे हाथ में है, ये चीज़ मैं बार बार अपनी वीडियो में बोल रही हूँ। कैसी हम इमेज बना रहे हैं ये हमारे हाथ में है, कैसी हमें लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए वो सब हमारे हाथ में है, कि हम कैसा जाके बाहर व्यवहार करते हैं, कैसी हमारी बात करने का तरीका होता है, कैसा हमारा मतलब चाल चलन होता है। और हाँ दोस्तों, हमारे ड्रेसअप से भी बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे वैल्यू पर। लोग हमको उसी नज़र से देखते हैं जैसा हम ड्रेसअप करते हैं। ये हम लोग का मतलब बड़ा ही वो है कि अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पहन लो। दोस्तों फर्क पड़ता है, ये मैं उन चीजों के लिए नहीं बोल रही, आपके पास कपड़े कितने हैं या फिर आप साड़ी पहनो या आप सूट पहनो, जो भी आप पहनते हो एकदम मतलब लगना चाहिए कि हाँ वो कपड़े मतलब आपके ऊपर शूट करने चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि आपके पास बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। दो जोड़ी कपड़े हो, सस्ते कपड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, साफ सुथरे होने चाहिए। साफ तो हम कर ही सकते हैं ना, तो कपड़ों से भी हमारी वैल्यू होती है ना। लोग कह ही देते हैं कि कपड़ों से क्या ही लेना देना, तो दोस्तों कपड़ों से महंगाई से कुछ लेना देना नहीं है, साफ सफाई से तो लेना देना है। साफ सफाई तो हर कोई रख ही सकता है ना, महंगे सस्ते का तो कोई मैटर ही नहीं है। यहाँ पे बात है साफ सफाई की, कि आपके पास दो जोड़ी सूट है, आपके पास दो जोड़ी पैंट शर्ट है, आप उनको भी साफ सफाई से पहनते हैं और अच्छे तरीके से चलते हैं, तो उससे भी आपकी वैल्यू होती है। हमारा चाल चलन, हमारी कपड़ों, हमारा पहनावा ये दर्शाता है कि हम किस माहौल से आते हैं, हमारी सोच क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अमीर मतलब पैसे से और आपके कितनी आपके पास पैसा है, कितनी धन दौलत है, उससे हमारे चाल चलन का, हमारे कपड़ों का कोई मतलब नहीं है। ये हमारी सिर्फ वैल्यू के लिए है कि हमारी वैल्यू शो करता है, ठीक है। अभी ऐसा तो नहीं है कि भाई जो बहुत ही ज्यादा महंगे करोड़ों की जो करोड़ों के भी कपड़े आते हैं, लाखों के भी आते हैं, हजारों के भी आते हैं, 100, 200, 500, 100 रुपए के भी कपड़े आते हैं, 50 के भी आते हैं। बात यह है कि हम किस तरीके से उनको पहनते हैं और कहाँ पहनते हैं और क्या हमारा लक्ष्य होता है जब हम कपड़े पहनते हैं। एक तो होता है कि हम दूसरों को दिखाने के लिए, और एक होता है खुद के लिए ड्रेसअप होना। चाहे मेरे पास 100 रुपए का ही सूट है, अगर मैं अच्छे से धो के प्रेस करके पहन के चलती हूँ और चेहरे पे स्माइल होती है, कॉन्फिडेंट होता है, तो वही मेरा सूट कम से कम लोगों को 2000 का लगेगा व्यवहार के साथ में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, इनको अपने जीवन में उतारिए और अपनी जो है वैल्यू बनाइए। वैल्यू बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जब तक हमारी कहीं कद्र नहीं होती, कहीं वैल्यू नहीं होती, तो जिंदगी नहीं होती। ऐसा लगता है कि बस जी ही रहे हैं, जब तक हमारी रिस्पेक्ट नहीं। हम पूरी जिंदगी क्यों काम करते हैं, ताकि हमारी वैल्यू हो, हमारी रिस्पेक्ट हो, लोग हमको समझें, लोग हमको जानें। तो हमको पहल करनी पड़ेगी, हमको वही लोगों को देना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें हमारे पास वापस आएंगी। तो थोड़ा सा दिमाग का खेल है, इस दिमाग को जो है अच्छी अच्छी चीज़ों पर सोचने पर मजबूर कीजिए, तो खुद ही अच्छे विचार आने लगते हैं जिंदगी में। अपने आसपास पड़ोस जो है पॉजिटिव माहौल बनाइए, अच्छे लोगों, कोशिश करिए कि आपके आसपास जो है पॉजिटिव जो है लोग रहें, अच्छी सोच वाले लोग रहें। चलिए वीडियो का करते हैं एंड। वीडियो पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अपनी तुलना जिंदगी में कभी भी किसी से मत कीजिए, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जब समय आता है तभी वो चमकते हैं, तो अपने पर विश्वास रखिए। जैसे हैं आप बहुत बहुत अच्छे हैं, सभी का जिंदगी में समय आता है, सभी का समय निश्चित है, सिर्फ और सिर्फ हमको उस रास्ते पर चलना है, यानी कि सच्चाई के रास्ते पर, सच के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर। तो चलिए दोस्तों करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।